एंडिंग में वाट लगाना कोई तो इनसे सीखे। सो हेलो गाइस, वी टॉक्स में आपका स्वागत है। तो कठपुतली मूवी आज रिलीज हो गई और ये रिमेक थी रत्सासन की। एंड आई नो तुम लोगों ने बहुत लोगों के रिव्यू देखे रहेंगे, पर मैं यहाँ पे कुछ तो अलग बताने का ट्राई करूंगा। तो फर्स्ट मैं इस बात से स्टार्ट करता हूँ कि अगर मैंने ये मूवी फर्स्ट टाइम देखी होती तो मुझे ये कैसी लगती, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम देखने वाला भी कोई तो था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, हमें एंटरटेन करने के लिए कामयाब भी होता है। पर सबसे पुअर पार्ट इसका ये आता है कि इसका गाने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। ये एक थ्रिलर मूवी थी और बहुत ही एकदम अलग टेरर क्रिएट कर रही थी, उसके बीच में गाने की क्या ही जरूरत है, तुम लोगों को बॉलीवुड क्यों दिखाना है। और सेकंड चीज, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही वेल रिटन है और सेकंड पार्ट थोड़ा ऐसा रश फील होता है। और बात करूं एक्टिंग की तो एक्टिंग में सब लोग कामयाब हो जाते हैं। अक्षय कुमार की भी मुझे ओवर एक्टिंग जरा भी नहीं लगी, बहुत ही प्रॉपर थी और जो मेरे साथ थे उन लोग को भी पसंद आ रही थी। सो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, एज अ कॉपी ये मूवी कैसे लगी। सो रत्सासन मूवी मैंने बहुत ही पहले देखी थी और उससे अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो वो तो मास्टरपीस थी। उस मूवी की स्टोरी इतनी इनक्रेडिबल है कि ऑब्वियसली कोई भी कॉपी करेगा तो वो स्टोरी की वजह से अच्छा लगेगा ही। बट उन्होंने इस मूवी में थोड़े जोक्स एंड थोड़ी प्लेसेस चेंजेस है, बट ये मूवी में वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा लग रहा है। मेन बुरी चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि इसका क्लाइमैक्स, उसके अंदर जो विलन की बैक स्टोरी में एक अलग टेरर क्रिएट होता है ना, वो यहाँ पे नहीं हुआ। एक्चुअल में मुझे तो पता था कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, पर मेरे साथ भी जो थे उन लोगों को भी इतना ऐसा कुछ लगा नहीं। रत्सासन में जो बैक स्टोरी नरेट किए जाती है कि उसकी क्या स्टोरी थी, वो एक्चुअल में सुनने के लिए बहुत ही अलग लगती है। और यहाँ पे उन्होंने पूरा रश करने के टाइम पे पूरी वाट लगा दी, ऐसा तो मुझे लगा। और एंडिंग भी बहुत ही अलग ही शॉर्ट नोटिस पे हो गए ऐसा लगा मुझे, क्योंकि डायरेक्टली विलन खत्म मूवी खत्म ऐसा कर दिया। और वहाँ पे थोड़ा सा अलग था पर उससे इतना भी कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरता, पर तभी भी। सो ओवरऑल कठपुतली मूवी अच्छी है, देखने लायक भी है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई बिंदास देख लो, आप एंटरटेन हो जाओगे। बस मेरा कहना यही है कि अगर आप कॉपी कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कुछ तो मास्टरपीस है, उसको तुम और बेहतर क्यों नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ उसमें हक देते हो, क्यों यार ऐसा क्यों करते हो। सो ओवरऑल एक्टिंग अच्छी पर रत्सासन से कंपेयर करने लायक नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, ऐसे रिव्यू करते रहेंगे, आपको कुछ करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।